जिंदगी में स्कूल और कॉलेज के बाद भी परीक्षा हर बार होती रहती है और इसलिए परीक्षा को तनाव मुक्त कैसे उसको पेश आए, उसका त्योहार कैसे मनाए, उसको पर्व के रूप में कैसे मनाए, ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो घर घर की कहानी है, जो घर घर का विषय है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने चिंतन किया। मन की बात में 15 में, 16 में, 17 में अपने विचार उन्होंने बताए परीक्षा के समय पर, और अब ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है जिसमें देश के 6 लाख स्कूल्स में और 35,000 कॉलेजेस में 10 करोड़ छात्र अध्यापक प्राध्यापक सब सुन रहे, इसको देख रहे, इसको इतना बड़ा कार्यक्रम, और आप जब किताब जो पढ़ेंगे उसको पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने, तो मंत्र दिए कि कैसे उसको पेश आए। लोग जो कहते हैं मैं सामना करता हूं, वो सामना नहीं है, वो तो हम पेश आते हैं, चुनौती है तो उसको स्वीकार करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी केवल परीक्षा पर नहीं बोलते, प्रधानमंत्री जी इस बजट को अगर कोई देखे तो ये समझेंगे कि इनकी प्रतिबद्धता, प्रधानमंत्री जी का एक दृष्टि है, विजन है, एक मिशन है, क्योंकि देश अगर संबल मिलेगा, देश अगर ताकतवान बनेगा तो वो शस्त्र अस्त्रों से नहीं, वो शिक्षा से ही समृद्ध बनता है, शिक्षा से ही समर्थ बनता है, ये विश्वास है। और इसके लिए अच्छी शिक्षा सबको मिले ये उसका प्रेरणा है, और इसके लिए इस बार उनका जोर है केवल बिल्डिंगें बने, केवल बाकी सारे साधन सामग्री मिले, इसमें नहीं शिक्षा होती। शिक्षा अगर अच्छी मिलनी है तो शिक्षा के लिए आउटकम बेस्ड रिजल्ट आने चाहिए, और इसके लिए हमने लर्निंग आउटकम्स तैयार किए हैं। अभी पहली से आठवीं तक परीक्षा नहीं होती, तो उसके लिए पहली में, दूसरी में, गणित में, विज्ञान में, भाषा में क्या प्राप्ति होनी चाहिए, क्या छात्रों को समझना चाहिए, क्या आना चाहिए, इसको आप लिपिबद्ध किए, टीचर्स का ट्रेनिंग किया है, और ये करके अब ये जो पहले दिखता था कि छठी का छात्र चौथी का गणित नहीं कर सकता, ये अब नहीं दिखेगा। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आउटकम बेस्ड शिक्षा होगी, तो पहली का छात्र पहली का पूरा करेगा, तीसरी का छात्र तीसरी का सब आएगा, ये होना जरूरी था, ये लर्निंग आउटकम्स लाए। 13 लाख शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उनको इंटरनेट के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से और टीवी के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं 13 लाख।